हाँ रघुनंदन इतनी हटे हटे ना यार सिखा दी इनकलाब जिंदाबाद 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 ऐतिहासिक मैं दिवस जिंदाबाद 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 मैं दिवस दीक्षे जाग पूंजीपति निवास जाग मैं दिवस दीक्षे जाग पूंजीपति निवास जाग निवास जाग जिंदाबाद जिंदाबाद आंतर्जातिक श्रम मे दिवस जिंदाबाद 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 ऐ बुटिया के बोल बे हैदर दा बोल बे बोल जिंदाबाद मे दिवस जिंदाबाद बोलो दिन साथी हम मजदूर लीडर कमरेड हैदर अली से अनुरोध करेंगे कि मेदी बस समान वो कुछ बोले चार का पैसा देगा ना दही नहीं लाइव चला था साथी मई दिवस क्या है मई दिवस के उपलक्ष में जो 1 मई को जगह जगह मजदूरों ने कम्युनिस्ट के लोगों ने झंडा फहराते हैं क्यों फहराते हैं कभी आप लोग जानने की कोशिश की सिर्फ एक दिन का छुट्टी मिल गया लोगों ने अपना एंजॉय किया खत्म हो गया इसके पीछे के क्या कारण है इसको समझना जरूरी है आज अरे यार मजदूरों के लिए महापर्व है अरे थोड़ा देर बच गया अभी आप लोग जानते हैं आज 138वां दिवस है आज 138वां दिवस है 1886 में शिकागो शहर में जो मजदूरों ने आंदोलन किया क्यों किया था 18-18 घंटा काम करना पड़ता था इस मजदूरों को मजदूरों को 18 घंटा काम कराया जाता मजदूरों से और चाबुक लेके काम कराया जाता था वहीं से शिकागो शहर से ये आंदोलन शुरू हुआ और ये जो आप लोग लाल झंडा देख रहे हैं ये लाल कोई कपड़ा नहीं है ये खून से मजदूरों को खून से रंगा हुआ कपड़ा है जब पूंजीवाद की पुलिस ने मजदूरों पर गोलियां चलाना शुरू किया लोगों में भगदड़ मचा लोगों ने भागना शुरू किया साथ ही एक बूढ़ा मजदूर ने गोली खाया वहीं पर गिर गया उसका कपड़ा जो है खून से लथपथ हो गया तब वो कपड़ा निकाल करके और ऊपर लहराया कि भागो मत दुनिया बदलो भागो मत दुनिया बदलो तब नौजवानों जो भाग रहे थे वो खड़ा हो गए और पुलिस से संघर्ष किए उसमें हजारों हजार मजदूर मारे गए उसमें हजारों हजार मजदूर मारे गए ये कोई जो कम्युनिस्ट का जो